तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि नॉन रूटेड यूजरों के लिए ज्यादा कुछ हैकिंग के एप्लीकेशन नहीं मिलता, लेकिन मैं आज लाया हूं टॉप 10 बेस्ट हैकिंग एप्लीकेशन फॉर नॉन रूटेड यूजर। जिनका फोन रूट नहीं किया है उन लोगों के लिए 10 बेस्ट हैकिंग एप्लीकेशन। अगर आपका फोन रूट नहीं है उसमें भी चलेगा, अगर रूट है फिर तो कोई बात ही नहीं है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कुछ कमेंट्स। मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर कहाँ से मिलेगा, कोई उपाय बताओ। भाई हमारे यहाँ पे ना एक बाबा बैठते हैं, सब्सक्राइबर बाबा, उनके पास आ जाओ, रात 12 बजे पूजा दे दो तो हो जाएगा 1 लाख सब्सक्राइबर। गुरुजी, शर्मा जी, सब लोग आते हैं, तुम भी आ जाओ। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड चार्ली, आप देख रहे हैं रूल ब्रेकर, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं ये पे जो ऐप आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो कोई पार्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। यानी कि अगर 1 नंबर ऐप जितना अच्छा है 10 नंबर ऐप भी उतना ही अच्छा है, कोई सीरियल वाइज नहीं है। तो पहला जो ऐप है वो है क्रिप्टोग्राफी। दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी की मदद से आप कोई भी अपना पर्सनल मैसेज, सीक्रेट मैसेज एनकोड कर सकते हैं कुछ कोड में। यानी कि अगर कुछ मैसेज आपका पर्सनल मैसेज हो, चाहे वो पासवर्ड हो, एनकोड करके एक कोड बना सकते हैं, वो कोड किसी को सेंड कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या लिखा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हाय देयर इट्स चार्ली, अब इसको एनकोड कर दिया तो ये मेरे पास एक कोड आ गया। अब ये इसको पढ़ के तो कोई समझ नहीं सकता कि क्या है। इसको अगर मैं किसी को सेंड करूँ, उसके पास भी अगर क्रिप्टोग्राफी ऐप हो तो वो इसे डिकोड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने वो पेस्ट किया कॉपी करके, अब इसको डिकोड में पेस्ट किया तो देखिए हाय देयर इट्स चार्ली जो है आ चुका है। इसके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जाके एक बार देख ली। सेकेंड जो एप्लीकेशन है उसका नाम है पिक्सल नोट, ये भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारा एप्लीकेशन जो इस वीडियो में दिखा जाएगा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पिक्सल नोट क्या करता है, ये बेसिकली किसी भी फोटो में आपका कोई पर्सनल मैसेज हाइड करता है और उसे आप पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी फोटो में आप अपना मैसेज डाल सकते हैं और पासवर्ड देकर उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फिर उसे किसी भी सेंड कर सकते हैं। जैसे इस फोटो में मुझे मैसेज डालना है, मैंने लिखा है हाय देयर इट्स माय न्यू लोगो, ये हमारा नया लोगो है रूल ब्रेकर का। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड मैंने सेट कर दिया QWER, पासवर्ड हो चुका है सेट। अब ये फोटो रेडी हो रहा है। ये फोटो रेडी हो चुका है। अब टैप टू सेंड का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर मतलब क्लिक करके मैं ये फोटो किसी भी जगह पे शेयर कर सकती हूँ। ये बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, तो मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट किया, पहली बार हो रहा है तो ये ओके करना पड़ता है। व्हाट्सएप सेलेक्ट कर दिया, अब व्हाट्सएप में मुझे किसे सेंड करते हैं, मैं अपने दोस्त को ही सेंड करता हूँ ये फोटो। ये देखिए फोटो जो है सेंड हो चुका है। अब दिखाते हैं अगर आपको ऐसा फोटो मिलता है तो आप कैसे इस फोटो से अपना जो है मैसेज निकाल सकते हैं। तो सिंपली अगर आपको कोई फोटो ऐसा मिले जिसमें मैसेज हो अंदर में, तो फोटो को ओपन कीजिए। यहाँ पे फोटो सेंड हो रहा है, रुकिए, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद। सिंपली फोटो को ओपन कीजिए, यहाँ पे शेयर का, सॉरी मैंने गलत, यहाँ पे शेयर कीजिए। शेयर करके पिक्सल नोट में ही ये फोटो मुझे ओपन करना है। तो रुके, ऑप्शन आने दीजिए पिक्सल नोट का, यहाँ बहुत सा ऑप्शन आ रहा है। हाँ, यहाँ पे पिक्सल नोट आ गया है, अब इस पर ओपन करते हैं फोटो का। अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड डालने को बोल रहा है, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ QWER अनलॉक। अब जो है मेरा मैसेज अनलॉक हो रहा है। ये देखिए मेरा पूरा मैसेज अनलॉक हो चुका है, हाय देयर इज माय न्यू लोगो।
अगला एप्लीकेशन आता है मोबाइल फेकर। इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपना आइडेंटिटी हाइड करना है ऑनलाइन में इंटरनेट खोलने वक्त, तो ये ऐप आपकी बहुत मदद करता है। ये रूट परमिशन भी नहीं मांगता, आप अपना पूरा आइडेंटिटी हाइड कर सकते हैं ऑनलाइन में। आप किसी भी वेबसाइट सर्च करें या फिर कुछ वेबसाइट खोलें तो आपका जो है पर्सनल डाटा वहाँ पर नहीं जाएगा, आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे दिखा रहा है रेडमी नोट 3 ऑलरेडी, तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। मेरा एंड्रॉयड वर्सन जो शो होता है ऑनलाइन में वो भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए iOS 10 कर दिया मैंने, iPhone 7s प्लस कर दिया मैंने। अब ये माइक्रोमैक्स पता नहीं क्यों हो रहा है, एप्पल होना चाहिए। इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नेम, मॉडल, डिवाइस, ब्रांड, आईडी, होस्ट, यूज़र, SDK, डिस्प्ले आईडी, कोड नेम, बहुत कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर अप्लाई में क्लिक कर दीजिएगा तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तब आप कोई भी वेबसाइट खोलिएगा तो आपको यही शो करेगा। आप टेस्ट के लिए फेसबुक खोल सकते हैं, facebook.com। वहाँ पर खोलने के बाद आप एकदम नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड फेसबुक फॉर योर आईफोन फॉर योर HTC जो आप करके रखेंगे वो। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। अगला एप्लीकेशन है मार्केट हेल्पर। आप देख सकते हैं कि अगर आप प्ले स्टोर से बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करने जाए तो ऐसा दिखाता होगा नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री या फिर नॉट कॉम्पेटेबल विद योर डिवाइस। तब आप यहां से अपना फ़ोन का डिवाइस या फिर कंट्री जो है चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, जो ऑपरेटर होता है नेटवर्क ऑपरेटर वो भी चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करके आप अपना ईमेल एड्रेस, डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। फिर एक्टिवेट में क्लिक कर दीजिएगा तो आप प्ले स्टोर में या फिर कहीं पे भी आपका फ़ोन वैसे ही एक्ट करेगा और आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला एप्लीकेशन है व्हाट्स टूल। आपको पता होगा व्हाट्सएप पे आप किसी भी कोई भी टाइप के फाइल नहीं सेंड कर सकते हैं, सिर्फ वीडियो, इमेज या फिर कुछ लिमिटेड फाइल्स सेंड कर सकते हैं। और कोई किसी भी टाइप मतलब साइज के फाइल भी नहीं सेंड कर सकते, बहुत ज़्यादा साइज के फाइल भी नहीं सेंड कर सकते। सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं, फेसबुक, मैसेंजर और हर सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक लिमिट होता है। व्हाट्स टूल के मदद से आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे किसी भी टाइप के, किसी भी साइज के फाइल सेंड कर सकते हैं। किसी भी टाइप के कोई भी फाइल आप सेंड कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने वीडियो सिलेक्ट किया, एक मिनट रुकिए, वीडियो सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा वीडियो लिस्ट आ गया। अब यहाँ से मैं कोई भी फाइल को सेंड कर सकता हूँ। जो फर्स्ट वीडियोज़ हैं वो शायद बहुत बड़े साइज के होंगे, 131 MB या फिर ऐसा कुछ हैं। फिर से मैं अगर सेंड करना चाहूँ तो ऐसे अपलोड करूँगा यहाँ पे और सेंडिंग का मुझे ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से मैं व्हाट्स टूल के मदद से किसी भी फाइल को किसी भी जगह पे शेयर जो है कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप, हैंगआउट, बहुत सारा मैसेज ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे मैं ये शेयर कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। अगला एप्लीकेशन है लकी पैचर। इसके मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को या फिर गेम को मॉड या हैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है, आप लकी पैचर खोलेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। मेरे पास अभी कोई गेम है नहीं तो मैं हैक नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी ऐप को मॉडिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो आपको इसमें से कोई ऐप चूज़ करना है, जैसे ये मैंने ब्लैक मार्क चूज़ किया। अब ओपन मेनू ऑफ पैचेस में क्लिक करना है, अब क्रिएट मॉडिफाइड APK फाइल में क्लिक करना है, अब APK रिवील में क्लिक करना है और आपको रिबिल्ड नाउ में क्लिक कर देना है। तो वो जो एप्लीकेशन है वो मॉड हो जाएगा, हैक हो जाएगा, उसमें आप अनलिमिटेड परचेस कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी ये करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि ब्लैक मार्क का यूज़ मैं बाद में दिखाने वाला हूँ। अगला एप्लीकेशन है ब्लैक मार्क या फिर ब्लैक मार्क अल्फा। इसकी मदद से आप कोई भी पेड ऐप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है हाउ टू गेट पेड ऐप्स फॉर फ्री, वो एक बार जाके चेक कर लीजिए और मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। ये डाउनलोडिंग अपडेट को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आपको होम पेज में बहुत सारा ऐप दिखेगा। अगर आपको कोई पार्टिकुलर ऐप्स डाउनलोड करना है जो कि प्ले स्टोर पे या फिर किसी और जगह पे पेड है, तो सिंपली ऊपर सर्च का बटन है, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप होम पेज से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्वाइप फॉर फेसबुक प्रो, जो कि पेड है, एक पेड ऐप है, प्रो वर्सन का ऐप है। तो उसको सर्च करते हैं, रुकिए। ये देखिए स्वाइप फॉर फेसबुक प्रो आ गया है, जो कि है 1.59 यूरो के, यहाँ पे भी प्राइस जो है आपको दिखा रहा है। लेकिन घबराइए मत, सिंपली क्लिक कीजिए उसमें, उसके बाद ऊपर जो है देख लीजिए इंस्टॉल में क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको वर्सन चूज करना है कि कौन सा वर्सन आपको डाउनलोड करना है। मुझे लेटेस्ट वर्सन चाहिए 6.2.1, तो उसी को रहने देते हैं। अब ये देखिए जो है डाउनलोड शुरू हो चुका है, कोई भी पैसा मुझे नहीं देना पड़ा या फिर पेमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं आया है।
डायरेक्ट डाउनलोडिंग हो रहा है। डाउनलोडिंग होने दीजिए, मैं इंस्टॉल करके भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि ये सच में काम करता है। ये देखिए एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मुझे ये इंस्टॉल नहीं करना, कैंसिल कर देते हैं। और फ्रेंड्स अगला एप्लीकेशन है APK एडिटर। ये एक ऐसा एडिटर है जो विदाउट रूट काम करता है और इससे आप कोई भी APK फाइल को यानी कि ऐप या गेम्स को एडिट कर सकते हैं। सिंपली कोई ऐप सिलेक्ट कीजिए जो कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो, या अगर इंस्टॉल नहीं हो तो फाइल मैनेजर से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जो ये ऐप जो है सारा मेरा इंस्टॉल्ड है, इसमें से कोई ऐप ढूंढते हैं जिसको एडिट करेंगे। कोई छोटा सा ऐप ढूंढते हैं, अभी बड़ा ऐप है फ्लिपकार्ट, मुझे ये फ्लिपकार्ट को एडिट करना है। तो सिंपली फ्लिपकार्ट में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, फुल एडिट, सिंपल एडिट, कॉमन एडिट। फुल एडिट मतलब पूरा चेंज करने के लिए, सिंपल एडिट नॉर्मल, कॉमन एडिट और भी छोटा है। तो ये सिंपल एडिट में मैंने आ गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है कोडिंग का सब कुछ काम है। अगर आपको कुछ कोड चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इमेज है मतलब इस ऐप के अंदर क्या क्या इमेज जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, उनके वगैरह यहाँ से आप कोई भी दूसरा इमेज दे सकते हैं। और आखिर में है ऑडियो, फ्लिपकार्ट में कोई ऑडियो नहीं होता इसलिए नहीं दिखा रहा है। आपका कोई भी ऐप का ऑडियो भी आप चेंज करके अपना खुद का गाना या फिर वॉइस दे सकते हैं। और अगला एप्लीकेशन जो है वो है व्हाट्सकैन। ये व्हाट्सएप हैक करने के लिए हेल्प करता है। तो ओपन करने के पर आपको एक पैटर्न मांगेगा जो कि आप पहले जब ओपन करेंगे तो आप पैटर्न सेट कर सकते हैं, पैटर्न या पिन। सेलेक्ट करने के बाद जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तब आपके सामने एक बार कोड आएगा, सॉरी एक QR कोड आएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक QR कोड आने वाला है, कुछ प्रॉब्लम है, लोडिंग हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए QR कोड जो है आ चुका है, ऐड को कैंसिल करते हैं। यहाँ पे QR कोड आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, किसी भी विक्टिम के फ़ोन को लेके ये कोड स्कैन करना है उसके फ़ोन में। 2 सेकंड में स्कैन कर दूँ तो उसका व्हाट्सएप अकाउंट मेरे फ़ोन में जो है खुल जाएगा। देखते हैं कैसे स्कैन करते हैं। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद ऊपर 3-डॉट मेनू में क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप वेब में क्लिक कीजिए, उसके बाद कैमरा खुल जाएगा। अब यहाँ से वो कोड स्कैन कर लीजिए और छोड़ दीजिए विक्टिम का फ़ोन, तो है व्हाट्सएप उस अकाउंट में खुल जाएगा। और अगला एप्लीकेशन है फेक ID। इसके मदद से आप किसी को भी किसी नंबर से भी कॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखा है, हाउ टू कॉल anyone with any number you want। आप चाहे तो किसी भी नंबर से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। सिंपली ऊपर के बॉक्स में आपको वो नंबर डालना है जो नंबर आप उसके फ़ोन में शो कराना चाहते हैं, और नीचे के बॉक्स में आपको उसका फ़ोन नंबर डालना है जिसको आप कॉल करना चाहते हैं, और आप डायल में क्लिक कर दीजिएगा तो कॉल हो जाएगा। और ड्यूरिंग कॉल आप वॉइस भी चेंज कर सकते हैं, मेल या फीमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही देखते रहिए रूल ब्रेकर। जय हिंद।